अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त नवीद बासिम और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल यूट्यूब चैनल फाइव ब्रदर व्लॉग। जी तो गाइस, आज हम आए हुए हैं मॉडल टाउन और हम यहाँ का जो मशहूर होटल है क्वेटा सुपर शानदार कैफ़े, हम इसमें खाना खाने और यहाँ का चाय बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हम यहाँ चाय, गुड़ वाली चाय पीने आए हुए हैं। तो ये है हमारा पूरा जो ग्रुप और हमारा हमारी जो बरादरी है, हम सारे एक साथ मौजूद है। अंदर चलते हैं और फिर अंदर के होटल के जो मनाजिर हैं वो आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। अभी हम होटल के अंदर इंटर हो रहे हैं। बड़ा मशहूर इनका टेस्ट चाय का भी और बाकी सारे के सारे कानों का। तो अभी हम इंटर हो रहे हैं होटल के अंदर, आइए हमारे साथ रहिए। जी तो गाइस, ये है क्वेटा सुपर शानदार कैफे। आज हम यहाँ पे जो चाय पी, अभी साहब आपको कैसा लगा? मुझे तो अच्छा टेस्ट है, यानी कि पूरे हम जितने क्वेटा में गए हैं किसी के इतना अच्छा टेस्ट नहीं था जितना यहाँ। और मज़े की बात है कि क्वेटा में बहुत कम हम देखे थे जो घोड़ की चाय बनाए और जो कि यहाँ के पाई जाती है, और इसीलिए अच्छे और जीरत मजा दे सना दवा और बुखार में मछली और। तो गाइस, आज हम आए हुए क्वेटा सुपर शानदार कैफे और यहाँ की चाय के बारे में अमित साहब ने आप लोगों को बता दिया कि चाय की क्या टेस्ट थी, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह हमने यहाँ कुछ पराठे वराठे खा लिए, तो एक पराठा जो हमें खाने को मिला वो चिकन पराठा और बड़ा ज़बरदस्त। तो उसके बाद हमारी टीम ने ये फैसला कर दिया कि चिकन पराठा जो तैयार करने वाला या इसका जो उस्ताद है, हम उनसे मिल ले और उनसे हम थोड़ी सी डिटेल से बात कर ले कि चिकन पराठा उसने तैयार कैसे किया हुआ। तो ये हमारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आप क्या क्या चीज़ें इन पराठों के अंदर डालते हो, इसका टेस्ट दही टेस्ट के दिन और ढेर खिस्ता हो और मंग ढेर खो लगे दो और मंग ढेर मुतासर शुस्ता खुद पराठी का, तो माशा का ढेर खिस्ता तरीके से रहता पराठा तैयार करेगा। तो सबसे पर क्या अचोल मिलता है? आलू पराठा और को अंडे वाला और को चिकन पराठा शो देखिए चीज वाला उसका वो मलाई वाला चिकन पराठे के तो सुसस आचा भाई चिकन पराठा की वैसे चिकन है आओ चिकन से तरतीब सर चिकन का सो लौला आगा पोख कई या से तरतीब सर ये दा कैसे चाहिए तो ना ना अवल दवार सिराड़ अदरक लहसुन मसाला और वाशो मसाला पा दे या पोख ठीक 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 ठीक। नाज़रीन, मैं आप लोगों को उर्दू में बता दूं कि जो चिकन पराठा हमने खाया हुआ है, तो उसकी तैयारी करने का, उसके तैयार करने का, उसको बनाने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले ये बाहर से चिकन वो बाय कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, उसके बाद वो लाकर उसको अदरक लहसुन थूम इन चीज़ों में उसको बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। उसके बाद वो उस पराठे के अंदर उसके दो पीस बना लेते हैं और उसके बाद दरमियान में वो चिकन डाल के उसके बाद उसको बंद कर लेते हैं, पका लेते हैं। इसके बाद उसका जायका बड़ा टेस्टी और बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छे सिटी तो अच्छे से रकम जोड़ी ये खबर के लिए ब्रांच खुला हुआ हुई बड़ा अच्छे ने की जोड़ी कितना अच्छे ना कि खराब बिल्कुल बिल्कुल हर सब बड़ा हर सब बड़ा जी बेगम हाँ तो अच्छे भाई जी वो ना बिल्कुल हाँ हाँ हर सब सही था बिल्कुल نہ دو سر پر اگے نہ بات خبر ہے کہ کیا غلط نہ بات بس تو ناظرین، ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اسپیشل چائے، اسی طرح قہوہ اور اسی طرح گڑ والی چائے جو ہم نے پی لیا، بڑا زبردست اچھا لگا، سلیمانی چائے، اسی طرح آگے آملیٹ ہیں ان کے پاس اور اسی طرح چنے ہیں ان کے پاس، मलाई पराठा और मलाई पराठा जो हमने पिछली मुलाकात में खाया था बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगा था। इसी तरह इनके पास चॉकलेट वाला पराठा है, चिकन पराठा है आगे, ठीक है, इसी तरह पिज़्ज़ा पराठा है, आलू पराठा है, ये सारे के सारे इनके पास पराठों के अक्सा में हैं। इनकी ये देख लीजिए ये रेड टेस्ट लगे में और इनका ये रेड बड़ा मुनासिब है। आप देखें कि इस महंगाई के दौर में भी 60 रुपए का ये आपको चाय पिला रहे हैं और वो भी बड़ा ज़बरदस्त।
پھر اسی طرح اگر آپ نے سادہ چائے پینی ہے تو وہ 50 روپے کی، اسی طرح ملائی والی چائے اگر آپ نے پینی ہے تو وہ 70 روپے کی، باقی گڑ والی چائے تو وہ بھی 70 روپے کی، سلیمانی چائے ٹھیک ہے، سلیمانی چائے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں، وہ چائے جس کے اندر دودھ نہ ڈالا جائے اس کو سلیمانی چائے کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف پتی جس میں ڈالی گئی ہو اس کو سلیمانی چائے کہتے ہیں تو وہ 50 روپے کی، اسی طرح سادہ چائے، یہ ساری کی ساری آپ کے سامنے اس کے ان کی لسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر یہ تو میں پوچھ رہا ہوں اچھے تو سی بتا رہا ہوں بس تو فیور تو دراو ٹھیک او پانا کھپانا نا ٹھیک ہے پانا چرتن راوی کراچی نا کراچی نا کم پانا استعمال ہے سونا سونا ٹھیک ٹھیک اچھا او چھے سی دی خے پھٹ کو خے پھو ٹھیک پنام سر اور یہ ہمارا کیمرہ مین سر آپ کو دکھا سکتا ہے ٹھیک دادوا کھاؤ گور وس بتا ٹھیک ٹھیک کھاوا درا کا رے بولا کر دے وہ کام کر دے فائیو چھ بار وی لکس تر سو کھاوا دے مشین دا سمجھ نو کھپ تیرا اڑو بس تے پھٹی ٹھیک ٹھیک کیوں کو راج تو بس صفائی نا اور دا کھاوے خپل دے رنگ نہ پتہ لگی اس تا گور کر زبردست زبردست داتا سپورٹ ورتا خصوصا ٹریننگ ددی ور کولی شی کے دا والے ہا ہاں دا بڑو کی راجے ماشم ٹریننگ بایلی ہاں ہاں یا سیدی ٹریننگ نو اپ بارا بتا کولا ہا یو سڑے لگے دی کوئی کی استا سپورٹ ورتا ہن کی استا سپورٹ اس کی تربیت نہ ہوئی ہو اس میں نہیں آ سکتی ہے ٹھیک ہے تو گائز اپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دودھ والا ٹھیک ہے یہ چاہیے تھا ماشاءاللہ اس کے بڑے کے ساتھ ہمارا روز جھگڑا ہوتا ہے پانی کم ڈالو ڈالو بھیجا لگے کم ڈالو سامنے بات اور صاف پانی ڈالو اگر یہ اچھا دودھ لاتا ہے ہم چلاتا ہے بھائی اپ پانی سے کہنا کہ دودھ میں پانی نہ ڈالے پانی میں پانی ڈالو پانی دے 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 پانی دے دے